नमस्कार। अब हम ये चर्चा करेंगे कि अनुसंधान के कितने प्रकार होते हैं जो आपको पढ़ने। काइंड्स तो बहुत सारे होते हैं और कई कैटेगरी पे हम कई बार अलग अलग तरीके से उसको कैटेगराइज करते हैं, लेकिन जब हम अनुसंधान को मुख्य रूप से विभक्त करते हैं तो वो सिर्फ दो भागों में विभक्त करते हैं। एक तो होता है आपका गुणात्मक अनुसंधान और दूसरा जो होता है आपका वो मात्रात्मक। ठीक, दो प्रकार के अनुसंधान आपको मुख्यतः पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक आपका अनुसंधान है गुणात्मक अनुसंधान और दूसरा अनुसंधान है मात्रात्मक अनुसंधान। जब हम न्यूमेरिक डाटा लेते हैं, मतलब जिसमें आपके संख्याएं होती हैं, आंकड़े होते हैं, मात्रा होती है, कोई चीज़ कितनी है, तो वहां पर क्या करते हैं हम मात्रात्मक अनुसंधान उसको कहते हैं। लेकिन जब हम गुणों का अध्ययन करते हैं, जहां नॉन न्यूमेरिक डाटा आता है, ठीक है, ऐसा आपका रिसर्च जिसमें नॉन न्यूमेरिक डाटा आए, उसको हम गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत रखते हैं। इसमें भी बहुत सारे आपके कैटेगरीज हैं, बहुत सारे प्रकार हैं और मुख्यतः हमें जिन्हें पढ़ना है हम उनका अध्ययन करेंगे। जैसे गुणात्मक अनुसंधान में जो पहली कैटेगरी बताई है वो है ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधान के बारे में हम जनरली आज जानेंगे। ऐसा अनुसंधान जो इतिहास की घटनाओं का अध्ययन करे, किसी चीज़ की जो घट चुका हो, ठीक, उसकी व्याख्या करे, उसके क्या कारण थे, उसको जानने का प्रयास करें। ऐसा अनुसंधान जो इतिहास की घटनाओं पर आधारित हो, ऐसा अनुसंधान जो हम भूतकाल से रिलेटेड हो, वो सारे अनुसंधान आपके ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। आप समझिए हमें क्या ज़रूरत है किसी चीज़ को अध्ययन करने की, इस प्रकार कि हम जो बीत गया उसको बीत जाने दें। लेकिन जब भी हम देखिए, जब उस हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसका क्या आपका मोटो रहता है, आप देखते हैं कि जो चीज़ें बीत गई वो कैसी रहीं, उसका विश्लेषण करें, उसका आलोचना करें और हम ये देखें कि वर्तमान को में ऐसी कोई चीज़ तो नहीं जो वहाँ से इफ़ेक्ट कर रही हो और यहाँ के लिए हानिकारक हो जाए, या वर्तमान में ऐसी कोई चीज़ छूट तो नहीं रही जो इतिहास में थी और हम उसको भूल रहे हैं। अर्थात चीज़ों को विश्लेषण करने, चीज़ों की आलोचना करने जो भूतकाल में हो चुके हैं और वर्तमान में उनका उनका क्या योगदान हो सकता है, इसका अध्ययन करने के लिए हम अक्सर ही ऐतिहासिक चीज़ों का शोध करते हैं। जो ऐतिहासिक आपके कंटेंट हैं, जैसे कोई इमारत है, मॉन्यूमेंट है, क्या इसके पीछे रीज़न रहा, किसी का कोई बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए पिछला जो आपका इतिहास में जो घटना घटी, जो युद्ध हुआ उसका क्या रीज़न था, अब तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे अगर हमारे और किसी देश के बीच लड़ाई हो रही है तो हम इससे पूर्व के जो लड़ाइयाँ उसका अध्ययन करते हैं कि नहीं, कि हाँ क्या कमी थी, क्या अच्छाई थी, कैसे हम पिछड़ रहे थे या कैसे हम जीते, क्या हमें स्ट्रेटजी अपनानी है। तो जो वर्तमान को बनाए रखने के लिए, भविष्य को ना बिगड़ने देने के लिए अक्सर हमें भूत की घटनाओं का अध्ययन करना पड़ता है। क्यों? वो घटना ऐसी घटना होती है जो हमें अनुभव प्रदान करती है कि कोई चीज़ का क्या रिजल्ट या क्या आउटकम निकल सकता है। ठीक है, तो ऐतिहासिक अनुसंधान एक अनुसंधान का बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रकार है जो गुणात्मक शोध के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन से कंटेंट आपको याद करने करके रखने या कौन से कंटेंट समझने, क्योंकि हमने तो जान लिया कि ऐतिहासिक अनुसंधानों का क्या यहाँ पे परिप्रेक्ष्य रहा या क्यों हम करते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, इसके अंतर्गत कौन कौन से चरण लेंगे, तो आप जानते हैं चरण जब भी लेते हैं वो हम समस्या लेते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं हम परिकल्पना बनाते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन हर जगह परिकल्पना नहीं बनाते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान में जो आपके पिन पॉइंटेड आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे प्रश्न आने की संभावना होती है, वो होते हैं स्रोत और आलोचना। ठीक, सिस्टम में आपको तब बताऊंगी जब मैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च बताऊंगी कि
ए टू जेड स्टेप क्या होते हैं, लेकिन आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना जरूरी है कि जो काइंड्स ऑफ रिसर्च है उसमें क्या आपके स्टेप इंपॉर्टेंट है, क्या हमको ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि हाँ सब नहीं पढ़ना है, बस हमें ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हम वो चीज़ें समझ जाएं। अब देखिए जो ऐतिहासिक आपका शोध होता है उसमें समस्या, तो समस्या वही समस्या जिस पे आप अध्ययन करते हैं, जैसे आप सम्राट अशोक के मान लीजिए कोई युद्ध का जो उन्होंने युद्ध किया था उसका अध्ययन करना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या कारण रहा, ठीक है, तो हम वो हमने वो समस्या ले ली। फिर हमारे जो स्रोत होते हैं आप उनकी बात सोचिए, स्रोत हमारे यहाँ दो प्रकार के होते हैं, एक मुख्य दूसरा गौण। दूसरा पॉइंट देखें, इसको कहते हैं प्राथमिक, इसको द्वितीयक। मुख्य स्रोत वो स्रोत होते हैं जो डायरेक्टली उस घटना से ऐतिहासिक परिपेक्ष से रिलेटेड होते हैं, अर्थात जैसे हम उनके स्तंभ को डायरेक्टली ऑब्जर्व करें और उस पर लिखे हुए विचारों को देखें कि जो अशोक थे उनका विचार कैसा था, समझ रहे हैं। मूल आपके जो स्रोत होते हैं या मुख्य स्रोत या प्राथमिक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो डायरेक्टली उसका सोर्स हो, सोर्स ऑफ नॉलेज जिस पे हम अध्ययन कर रहे हैं वो वास्तविक चीज़ें, ठीक है, वो क्या होंगे मुख्य स्रोत। गौण स्रोत जैसे अशोक पे किसी ने कोई आपका आर्टिकल लिखा हो या उस पे अध्ययन किया हो या उन पे रिसर्च किया हो, और या आप ऐसे कह सकते हैं कि अशोक की जीवनी हो, ठीक है, या युद्ध का वर्णन किसी के अन्य के द्वारा किया गया हो, तो मुख्य को छोड़ के जितने भी हमारे स्रोत होते हैं वो द्वितीयक या गौण स्रोत कहलाते हैं। तो इतिहास में स्रोतों का बहुत महत्व है कि आपके स्रोत अगर नहीं सही होंगे या स्रोत नहीं होंगे तो कोई भी ऐतिहासिक घटना नहीं हो सकती। फिर दूसरा टर्म जो है आपका वह है आलोचना। तो आलोचना भी आपका क्या है, दो प्रकार का होता है, एक बाह्य और दूसरा आंतरिक। आलोचना जो होती है ये आपके ऐतिहासिक स्रोत का मूलभूत तत्व होती है, हम किस प्रकार उसकी आलोचना करें कि वो ज़्यादा वैज्ञानिक या ज़्यादा सत्य हो। तो याद रखिएगा जब भी हम मौलिकता और प्रामाणिकता की बात करें, क्या चीज़, मौलिकता और प्रामाणिकता, जब भी ये दो टर्म की बात करेंगे आलोचना में तो हम किसकी बात करेंगे, बाह्य आलोचना की। लेकिन हम कंटेंट एनालिसिस करेंगे, जब अंदर की चीज़ों की वैधता देखेंगे तो हम कौन सी आलोचना करेंगे, आंतरिक आलोचना करेंगे। समझ में आ रहा है, देखिए पहला तो मैंने बताया आपको कि समस्या बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर शोध में बिना समस्या के कोई अध्ययन नहीं होता। इसका जो मुख्य टर्म आपका दो और है वो है शोध और आलोचना। स्रोत में दो प्रकार के स्रोत होते हैं आपके, प्राथमिक जैसे स्तंभ लेख हुए, मूल लेख हुए, पांडुलिपि हुई, तो वो सारे आपके मुख्य स्रोतों में आ जाएंगे। दूसरा टर्म क्या है, गौण या द्वितीयक, वो स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जो उस चीज़ से रिलेटेड तो होते हैं पर डायरेक्टली नहीं, किसी अन्य के द्वारा या कहीं अन्य से इकट्ठा किए होते हैं या इस मुख्य की अपेक्षा कम विश्वसनीय होते हैं, लेकिन तथ्यों की तो हमें आवश्यकता पड़ती ही है, ठीक। तीसरा आपका जो पॉइंट है आलोचना, इसमें जो आपको याद रखना है, तो आलोचना भी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक होती है बाह्य आलोचना जो ये बताती है कि उस जो स्रोत, समझिए एक स्रोत की बात कर रहे हैं, अगर एज अ स्रोत ले आलोचना को तो जो आपने मुख्य स्रोत लिए वो मौलिक है कि नहीं, ओरिजिनलिटी है कि नहीं, और उसकी प्रामाणिकता है कि नहीं, कोई प्रमाण है कि नहीं। ऐसे ही किसी से भी आपने स्रोत ले लिया और उस पर अध्ययन कर दिया तो कैसे आप कहेंगे कि जो रिजल्ट निकल रहा है वो बहुत अच्छा है या बहुत सही है, अच्छी की बात नहीं है, यहाँ पे सही की बात है। तो वो आपका जो आलोचना होगी वो कौन सी आलोचना होगी, बाह्य आलोचना। और दूसरा जो टर्म है आपका आंतरिक आलोचना, तो उसकी आंतरिक वैधता से रिलेटेड होगी। आंतरिक वैधता जैसे उसके जो आप ये भी समझ सकते हैं कि जब आप कलेक्ट कर रहे थे तो आपका मूड क्या था, किस प्रकार से आपने कोई ऐसा कैसे कह सकते कि कोई पक्षपात नहीं किया। स्रोत तो हमारे पास है ही, ठीक, मौलिक है और प्रामाणिक है, लेकिन आपके अध्ययन में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, आपने कोई पक्षपात या आपका पूर्वाग्रह किसी चीज़ को इफेक्ट कर दिया तो उसकी आंतरिक वैधता खंडित हो जाती है। तो इसलिए ये दोनों टर्म ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके ऐतिहासिक शोध।
ये आज आपका जो आप टॉपिक था ये इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च और काइंड्स ऑफ रिसर्च पे डिपेंड था। क्यों हमें ये अध्ययन करना है? क्योंकि आपके सिलेबस में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च दिया हुआ है, तो उसके अंतर्गत कुछ ऐसे जो आपके प्रकार दिए गए हैं जो शोध जब हम शोध करते हैं तो उन प्रकारों को अपनाते हैं, उसका अध्ययन करने की हमें बहुत आवश्यकता है। अक्सर लोग ईजी लगने के लिए ऐतिहासिक शोध ले लेते हैं कि हम अध्ययन करके छोड़ देंगे, कोई किया होगा हम कर लेंगे, लेकिन आप जानिए कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है अगर इसको प्रमाणिक और वैध बनाए रखना है। जो आलोचना करते हैं आप बाह्य और आंतरिक, तो बहुत ही डिफ़िकल्टी से ये टर्म्स आपके फॉलो होते हैं कि कैसे उसकी मौलिकता, प्रमाणिकता, वैधता, विश्वसनीयता, ये सारी चीज़ें बनाए रखें कि कल को कोई उस पर उंगली ना उठा सके या जो रिज़ल्ट हमने फाइंड किया कल को वो गलत ना साबित हो पाए। ठीक है, तो ये हमारा था हिस्टोरिकल रिसर्च, और इसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज में अगले रिसर्च के प्रकार की चर्चा करेंगे।